गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो अब हम आगे करते थे दोनों ने। फिर जो जिमी था वो ना बिल्कुल भी नहीं करता, अपने भी शर्ट को फोन उतार देता है, यूंगी की भी शर्ट को उतार देता है और यूंगी की बिल्कुल चेस्ट पे ना चेस्ट पे किसेस करने लगता है और ना बहुत रफली बाइट्स भी कर रहा था, मार्क्स बना रहा था, हिकीस बना रहा था फुली नेक पे, कॉलर बोन पे, उसके एडम एप्पल पे, उसके इतना बिल्कुल चेस्ट पे। और जो जिमिन था वो जिमिन के ना सेक्शन से यूंगी बोलता था ना मॉर्निंग कर रहा था, और उसके बाद ना जो यूंगी था वो ना बिल्कुल भी अब वो भी डेस्परेट हो चुका था, और ना जिमिन को फ्लिप करके उसके ऊपर ना तो आ जाते हैं और उसको किस करना था स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा पैशन दोनों एक दूसरे को किसिस कर रहे थे। यूंगी भी ना फ़ौरन हाथ लेके जाता और ना यूंगी ना वो रिएक्शन फील कर पा रहा था जो यूंगी का था, यूंगी जो जिमिन का था, जिमिन का क्रोच बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था और वो उसकी पैंट्स में से ही फील कर पा रहा था और बस ना जिमिन की तरफ देखते रहे। जिमिन ना वापस ही यूंगी को फ्लिप करके उसके भी ट्राउजर्स उतार देता और अपने भी पैंट्स उतार देता, और फिर ना यूंगी कैसे ना फर्स्ट उसको प्रिपेयर कर रहा था, बट ना जो यूंगी था वो कहता प्लीज वैसे ना करो, प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, तो वैसे करो। तो ना जो जिमिन था वो ना हंसते गए थे ना तुम्हें पेन होगा, तो ना यूंगी ना बस अपनी आईज टाइटली क्लोज करता और ना वेट करता है यूंगी का, जीवन का वेट करता है। तो जीवन ना बस हंसता है और ना एक डार्क चकल करता है और उसके अंदर ना फोरा एंटर हो जाता है, जिससे ना यूंगी के आईज से ना टीयर्स फॉल हो जाते हैं। पर वो ना यूंगी जीवन को एक दफ़ा भी रुकने का नहीं बोलता, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ना रफ नाइट स्पेंड करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जो यूंगी का आईज ओपन था और वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं, जो जिमिन ना बस जिमिन अभी सो रहा था और ना फाइव वर्ड ने यूंगी बस जिमिन को कुछ देर तक घूरते हैं, और फिर जब देखते हैं कि ना जो जिमिन है वो ना उसकी आईज ओपन होने लगी है, तो वो अपने आईज टोटली बिल्कुल ही क्लोज कर लेता है। और फाइव मिनट्स बाद जो जिमिन है वो टोटली ना बिल्कुल सही तरीके से सही मायने में उठता है और फिर ना अपने इधर उधर देखते हैं, और उसको ना जब वो देखते हैं यूंगी को अपने साथ सोए तो उसको लगता है कि ना यूंगी वो दोनों सो गए होंगे, तो वो जब अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते तो उसको अपनी बॉडी में कुछ फील हो रहा था, और जब वो अपने ब्लैंकेट हटा के देखते तो वो फील ही नहीं करता, और उन्हें हल्का सा ब्लैंकेट हटा के देखते तो यूंगी भी नैकेट था, और यूंगी की बॉडी से देख के लग रहा था जैसे उन्होंने रात को नाइट स्पेंड किया, और वहाँ पर ना उसको हल्का सा ब्लड भी नजर आता है जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि रात को उन्होंने नाइट स्पेंड किया। तो फिर ना ये देखी ना जो जिमिन था तो वो फुली शॉक हो गया था, फौरन ना एक झटके से उठ जाता और फौरन ना वहाँ से ना अपने क्लोज किया था और वॉशरूम में चल जाता, और ना यूंगी ना समझता कि मैं भी ना जो जिमिन है वो ना हो गया आना परेशान हो गया कि अचानक से ये क्या हो गया, तो टेंस्ड होगा क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, बट वो अपनी आईज क्लोज करता और उससे ना कुछ वियर्ड सा फीलिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और फाइव मिनट्स बाद ना जो जिमिन है तो वो बिल्कुल ना सिर्फ क्लोज पहन के बाहर आता है, उसने शावर नहीं लेता वैसे बाहर आता है, और जब देखते हैं कि ना जो यूंगी है वो जागा होता है, ना यूंगी उठ के बैठते हैं और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते हैं बिल्कुल ब्लैंक फेस है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना यूंगी की तरफ आता है और फिर ना यूंगी के सामने आके बैठते हैं, कहते हैं कि ना यूंगी मेरे बॉडी में पेन नहीं हो रहा, यस हमने रात को ना नाइट स्पेंड किया, ये तुम्हें रात को क्या था कि रात को क्या हुआ था, मीन्स क्या मैंने तुम्हारे से सेक्स किया, जो फिर ये बोलते हैं। और फिर ना जिमिन ने यूंगी की तरफ देखने लगते और जो यूंगी के ना बस ये बात है सुन के ना कि जो यूंगी जिमिन को कुछ भी याद नहीं है, और मैं भी जो रात को हुआ वो ना सिर्फ ड्रंक होने की वजह से होता है, जिमिन ड्रंक था जो रात को हुआ। तो फिर ना जो यूंगी ना हंस से बोलता तो फिर ऐसे ना ब्रोकन फेस ब्रोकन स्माइल से बोलते कि ना हमारे बीच में हुआ है, हमारे बीच में सेक्स हुआ है। तो फिर ना जो यूंगी की बात सुनी है ना जो जिमिन होता है वो ना अपना फेस ना अशेम्ड में ना अशेम्ड हो जाता बहुत ज़्यादा, उसको ना अशेम्ड फील होता है अपने ऊपर, और फिर ना अपना सब नीचे कर लेते हैं, कहते हैं हम सॉरी यूंग प्लीज़ जो मैं हमारे रात को बीच में उसको बिल्कुल भूल जाना, और ये बोलता है। और फिर ना वहाँ से चला जाता है, और जो यूंगी था वो ना
एक चकल करते हैं, एक डार्क चकल, और उसके बाद ना उसके ऐसे ड्रेस फॉलो होते हैं, और फिर कहते हैं भूल जाऊंगा, भूलना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ फिर हम नीच पर आ करके बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और ना इधर जमीन जो है ना वापस अपने ना जो उनका उन सातों का मेंशन था तो वहाँ वापस आ जाता है, उन सब का उन सातों का जो मेंशन था वहाँ वापस आ जाता, और भाग के ना अपने रूम में चला जाता। और उस टाइम में ना कोई नहीं था, और ना अपने रूम में आता उसको बहुत ज़्यादा ना वियर्ड सा फीलिंग हो रहा था। वो अपने आप को ना काम कर रहा था और ना शावर ले रहा था, और वहाँ पर ना जब वो शावर ले रहा था यहाँ पे ना उनका मेंशन और बार काफ़ी दूर था, तो ना वो जब शावर ले रहा था तो काफ़ी टाइम हो गया था, और उसको अपना स्लोली स्लोली रात के सारी मेमोरीज याद आने लगे, तो उसको स्लोली स्लोली याद सारा याद आता है, तो फिर ना उसको सब कुछ याद आता है। वो शावर लेते कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था, तो बस ना फोन अपने आप को काम करके ना बाहर आता, और फिर ऐसे को क्लोज करके ना लेट जाता है, और ना कुछ टाइम बाद ना वो उठता है, और ना 1 आवर बाद उसको ना नींद नहीं आता, बट वो सोने का कोशिश करता है, बट फिर भी उसको नींद नहीं आता, और वो उठता है, और फिर ना बाहर आता है और देखता है कि ना सब वहाँ बैठे हुए थे। वो पूछते कि ना यूंगी आएगा, वो बताते कि नहीं यूंगी अब तक नहीं आया घर, तो ना जीवन का ना वो होता है थोड़ा सा टेंस फील करता है कि यूंगी अब तक क्यों नहीं आया, उसका ना परेशानी हो रहा था। बट उसी टाइम पर ना वो कॉल करने जाने ही वाला था यूंगी का, बट जो यूंगी तो वो ना अंदर एंटर होता है, जिसका फेस ना पहले पे तो वो पोकर फेस रखता था, बट अभी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लुक दे रहा था, बहुत ज़्यादा सीरियस फेस था, और उसको देखे ना सारे घबरा जाते कि यूंगी के साथ ऐसे क्या होता है। और जीवे ना बस यूंगी का देख रहा था, और यूंगी सबको इग्नोर करता है, अपने रूम में चला जाता है। इस तरह उनके बीच में ना योनमिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं होती, योंगी का ना बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और ना सीरियस बिहेव करने लगा था। सबको ये चीज़ नॉर्मल लगती बिकॉज योंगी कभी भी किसी से ज़्यादा बात ही करता था, बट जीवन फील कर पा रहा था कि योंगी ना और भी ज़्यादा वो हो गया, टफ हो गया, उसका जो पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा ना स्टिफ हो गया, और ना जिमिन से भी बातें करता था, बिकॉज यूंगी ना बहुत कम बातें करता था, बट ना जिमिन से फिर भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर लिया करता था, बट जिमिन से भी अब यूंगी बात नहीं करता, और जिमिन फील कर पाता था कि जो 1 मंथ पहले उनके साथ हुआ था उनके बीच में होता तो मे भी इस वजह से है। और इधर ना जो जिमिन को देखते हैं जो इस टाइम ना अपने वॉशरूम में था, और आज उसका ना वो हो गया था, इरेक्शन हो गया था, उसका ना क्लोज बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो गया था, एज वो पॉर्न मूवीज देख रहा था, तो इस वजह से ना हो गया था। उसके बाद जब वो अपने आप को काम कर रहा था तो वो एक गहरा मौन करता है, और वो नाम किसका लेता है, फिर यूंगी का नाम लेके ना मौन करके ना रिलीज होता है। उसके बाद वो खुद भी शौक हो जाता है कि वो यूंगी को ना इमेजिन कर रहा था इतने टाइम से, और उसने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया था। 15 मिनट्स बाद अच्छे से शावर लेने के बाद वो ना जिमिन बिल्कुल सिर्फ बाथरूम में ना बाहर आके बैठ जाता है, बेड पे आके बैठ जाता है, और फिर अपने हेड को ना पकड़ लेता है, अपने टेम्पल को ना मसाज करने लगता है, बिकॉज ये मंथ में 8th टाइम था कि वो फिर से ना अपने आप को इस तरह रिलीज कर रहा था, मीन्स अपने आप को ना वो कर रहा था, ना काम कर रहा था, वो भी यूंगी का नाम यूंगी के बारे में सोचे उसको करके, तो अब वो सोचते कि ना मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल, अब सिर्फ ढूंढ सकते हैं मुझे किस चीज़ का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ के साथ, उनको सोच के क्यों मैं हर टाइम खुद को वो करता हूँ, प्लेजर करता हूँ। वो इस तरह सोते और अपने हेड को ना टाइटली पकड़ लेते हैं, फिर ना देखते कि ना अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, नाइट करना सिर्फ 10 हुआ, तो वो अच्छे से जानता है कि ना यूंगी किस टाइम पे सोता है, वो रात के 11 पे सोता है, सुबह 8 पे उठता है, और ये उसका रूटीन फिक्स है, तो वो ना सोचते कि ना मुझे शायद यूंग से बात करनी चाहिए, तो ये बोलता है, और फिर ना उठता है, और फिर ना वहाँ पे ना चले जाते हैं यूंगी के रूम में, बगैर नॉक किए चले जाते हैं, वो ना थोड़ा सा ओपन था, अंदर चले जाता है, और अंदर जाके देखते हैं ना अंदर कोई भी नहीं है, तो फिर ना वो ना यूंगी का रूम देखने लगता है, तो ना उस टाइम पर ना अचानक से ना यूंग उसको ना वॉइस आता है पीछे से, और वो देखते हैं ना जो यूंगी है वो ना बाहर निकल आया, उसका भी ना यूंगी का ध्यान नहीं गया जिमिन पे, और वो ना अपने हेयर्स को ना वो कर रहा है,
ट्राई कर रहा है अभी अभी वो ना शॉवर लेके आया था और वो सिर्फ बाथरूम में था वो था बाथ आहा जो बाथ टॉवल में था तो सिर्फ उसने अपने वेस्ट के अराउंड किया हुआ था तो उसमें आया था बाहर और फिर ना यूंगी को ना इस तरह देख के ना चुच्ची में होता जब उसकी मिल्क की थाइस देखता है और उसका ना बैक फुल होता है और वो ना मिरर बिल्कुल ना मिरर की साइड पे ना खड़ा होता है इस साइड पे ना डायरेक्शन जिस साइड में ना खड़ा होता है जिवेन तो उसमें ना वो मिरर में से वो नज़र नहीं आया था बट उसका चेस्ट यूंगी का चेस्ट जिमिन को नज़र आ रहा था और ना काफ़ी ज़्यादा नीडी फील करता था और अचानक से ना वो यूंगी के पीछे जाके ना खड़ा हो जाता है और यूंगी का ना अभी ध्यान नहीं गया था वो अब नीचे देख रहा था अपने ना उसको सही कर रहा था वो सोच रहा था कि ना वो अपने ना उसको उतारते हैं टॉवल को उतार के ना अपने क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज उसके क्लोथ्स पीछे बेड पे पड़े थे तो वो जैसे उठाने वाला था तो उसको जैसे अपने वेस्ट पे ना टच फील होता है तो वो फुली शॉक हो जाता है और जैसे सामने देखते तो वहाँ पे ना जिमिन था जिसने उसको बैक हग किया होता और ना यूंगे फुल शॉक हो जाता है कि जिमिन क्या कर रही है छोड़ो मुझे और यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड करेंगे टाटा बाय।